गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। सो दिस इज सेकेंड वीडियो ऑफ योर चैप्टर नंबर 13, जिसमें हम एरिया के बारे में पढ़ रहे थे और पेरीमीटर के बारे में पढ़ रहे थे। सॉरी, वो तो 12 चैप्टर था, ये है 13 वॉल्यूम। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, अभी तक ए पार्ट तक हम लोग कर चुके हैं, नाउ वी आर गोइंग ऑन द बी पार्ट ऑफ थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे, आराम से क्वेश्चन को ब्रेक करेंगे, उसका मीनिंग निकालेंगे और तब हम सोल्यूशन पे जाएंगे। अ ब्रिक इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी एक ब्रिक है। ब्रिक यानी ईट। ईट किस शेप में होती है, अब आप इमेजिन करो। तो जब आप इमेजिन करोगे तो स्क्वायर शेप में तो नहीं होती, एक साइड में रेक्टेंगल शेप में होती है, यानी रेक्टेंगल से क्या बनता है, क्यूबॉइड। तो कौन सी शेप हुई, क्यूबॉइड। उसकी लॉन्ग मतलब लेंथ कितनी है, इतनी। ब्रॉड मतलब विड्थ कितनी है, इतनी। और हाई मतलब हाइट कितनी है, इतनी। फाइंड द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय 1000 सच ब्रिक्स। तो आपको ये बताना कि अगर मतलब पहले आप एक ब्रिक का निकालेंगे, लेंथ ब्रेथ और हाइट दी हुई है आपको, आपको बताना कि एक ब्रिक कितनी स्पेस जो है लेती है। अगर एक ब्रिक जितनी भी लेती हो तो उसके अगर ऐसी 1000 ब्रिक्स रख दी जाए, 1000 ईंटें रखें, तो वो कितनी जगह लेगी। तो पहले हम एक की निकालेंगे, उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। जब ज्यादा की निकालनी होती है तो ऐसे ही निकालते हैं। नाउ लेट्स सी, देखते हैं कैसे निकलेगी। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले आप पूरा लिखेंगे जो आपको दिया हुआ है, लेंथ ऑफ ब्रिक। यहां पर कितना है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ब्रेथ ऑफ ब्रिक सिंगल है तो ब्रिक लिखेंगे, ब्रिक्स नहीं लिखेंगे, 10.8 सेंटीमीटर। और हाइट, ठीक है, ये हमने तीनों चीजें लिख दी। ऐसे नहीं लिखना लॉन्ग ऑफ ब्रिक, ये नहीं, ये आपको सिर्फ बताया जाता है, आपको उससे कंक्लूड करना होता है कि लॉन्ग मतलब लेंथ है, ब्रॉड मतलब ब्रेथ है, और हाई मतलब हाइट। ठीक है, अब लिख लिया। तो सबसे पहले मैं रखने की जगह यानी कितना स्पेस लेगा यानी उसका वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक ऐसे ही निकालोगे, कितनी आएगी, एल इंटू बी इंटू एच। तो 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10.8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 8.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहले 20 को 10.8 से करो, फिर जो भी आंसर आएगा उसको 8.4 से। अब मेरे को 20 से मल्टीप्लाई करना आसान कर रहा है, ये डिफिकल्ट लग रहा है, तो पहले मैं ये कर लेती हूँ मल्टीप्लाई, जो डिफिकल्ट लगे उसको पहले करो। ठीक है बेटे, जो डिफिकल्ट लगे उसको सबसे पहले हम लोग को कर देना है, क्योंकि वो पहले ही हमारा फिनिश हो जाएगा। चलो देखते हैं, मैं यहां पर कर देती हूँ, बाद में रब कर लूंगी। 10.8 को 8.4 से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले 4 उठाऊंगी, 8 4 32 क्यों लिखा, सॉरी 32 का 2 और 3 कैरी, यानी 4 0 से 0 और 3 का 3 नीचे। ठीक है, अब करते हैं 8 से, 8 8 से 64, 4 यहां पर, 6 कैरी, 8 0 से 0 प्लस 6 6, 8 1 से 8। कहीं पर भी मैंने पॉइंट नहीं लगाया मल्टीप्लाई करते हुए, 2 7 ये हो गया। अब देखो, एक के बाद इसमें पॉइंट है, एक के बाद इसमें, तो दोनों को मिला के कितना हो गया, 2, यानी 2 के बाद पॉइंट। ठीक है, अब इसी को हमें आगे किससे करना है, 20 से, किससे करना है, 20 से। ठीक है, आसान तरीका क्या है, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, लास्ट में 0 लगा लो, 2 2 4, 7 2 14 और 9 2 18, मल्टीप्लाई करके देख लेना, यही आंसर आएगा। 2 के बाद पॉइंट था तो इसमें भी कितने के बाद आएगा, 2 के बाद पॉइंट, यानी एक की वॉल्यूम कितनी है, 1814.4, 0 लगाओ या मत लगाओ एक ही बात है, सेंटीमीटर। कितने क्यूब आएंगे, कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है, 3 बार ही, तो क्यूब आएगा। ठीक है, ठीक है, ये हो गया मल्टीप्लाई, मैंने आपको करके दिखा दिया कैसे होगा। ठीक है, अगली बार मैं आपको ये मल्टीप्लाई नहीं करके दिखाऊंगी, क्योंकि पिछली एक्सरसाइजेस में हमने ऐसे ही किया है और मल्टीप्लाई आप बहुत छोटी क्लास से कर रहे हैं। ठीक है, एक ब्रिक का वॉल्यूम आ गया, तो अब क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ
1000 ब्रिक्स, क्या करना है, सिर्फ इसको 1000 से मल्टीप्लाई, यानी कितने जीरोस, तीन बारी से मल्टीप्लाई, तीन जीरो लगा दो इसके बाद, 1 4 4, 1 2 3, एक के बाद पॉइंट है, एक के बाद पॉइंट है, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब ये आ गया, ठीक है, 8 1 8 4 4 00 पॉइंट। अब आपको लगा कि मैंने डायरेक्ट कैसे मल्टीप्लाई कर दिया, जब भी बेटा कोई ऐसी डिजिट होती है 100,000 10,000 तो आपको बार बार मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती, डिजिट के पीछे यहां पर जितने जीरो है उतने लगा दो, अगर 100 है तो 2 जीरो, 10 है तो 1 जीरो, 1000 है तो 3 जीरो, 10,000 है तो 4 जीरो। देखो मैंने ये तो किया, डिजिट उतारी और पीछे 3 जीरोस लगा दिए, एक के बाद डॉट थी तो लास्ट में से एक के बाद डॉट लगा दी, मल्टीप्लाई जब आपका आंसर आ जाएगा तब आप डॉट लगाएंगे, ठीक है बेटे, आपका यहां पर ये आंसर जो है वो आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, फाइंड द इंटरनल वॉल्यूम ऑफ अ शू बॉक्स विच इज 35 सेंटीमीटर लॉन्ग, 15 2/5 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड इतना सेंटीमीटर हाई। अब आपको, अब इनर ऐसे ही लिख दिया, वॉल्यूम वॉल्यूम ही होती है, आउटर या इनर नहीं होती, अगर पतली है तो ठीक है, अगर आपको उसका ये नहीं दिया वो कि इतनी मोटी है तो इनर आउट नहीं होती, अगर आपको कोई भी एक सामान दिया कि इसकी इनर वॉल्यूम निकालो या आउटर निकालो तो वो एक ही तरीका होगा, उसमें कुछ भी दूसरा तरीका नहीं है। अब आपको क्या दिया हुआ है, यहां पर शू बॉक्स दिया हुआ है, ठीक है, तो सी क्वेश्चन, लेंथ ऑफ शू बॉक्स, ठीक है, कितना है लेंथ, 35 सेंटीमीटर, ब्रेथ, आप ऐसे 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 करके नहीं लिखेंगे, पूरी स्टेटमेंट लिखेंगे, ब्रेथ कितनी है, अब देखो यहीं पर कर लो, 15 5 से कितने होते हैं, 75 + 2 = 77/5, आप नहीं कर सकते, आप अपना अलग से करेंगे, ठीक है, अगर आपको 15 का टेबल नहीं आता, ठीक है। अब नेक्स्ट नीचे देखते हैं, हाइट, हाइट भी दी हुई है हमें, ठीक है, पहले उतार के कर रहे हैं, दोनों में से कोई भी मेथड कर सकते हो, डायरेक्ट लिख लो, ठीक है, कितना आएगा, इतना ही आएगा, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, ठीक है, क्या पता मेरा आंसर गलत हो, तो मैं यहां पर एक बारी मल्टीप्लाई करके भी आपको दिखा देती हूँ, 7 4 28 2 carry 7 8 9, अब इसमें कितना प्लस करना है, 3, तो 8 9 10 11 और ये 10, तो मेरा आंसर बिल्कुल ठीक है। और डिनोमिनेटर ऐसे नहीं करना मल्टीप्लाई करते करते, कई सारे बच्चे डिनोमिनेटर हटा देते हैं तो आपको जीरो मिलेगा फिर, ठीक है। अब क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ शू बॉक्स, शू मतलब जूते का जो डब्बा होता है वो क्या होता है, क्यूबॉइड होता है, तो L इंटू बी इंटू एच, ठीक है, 35 × 77/5 × 101.7। अब क्या है, मेरे को बार बार सेंटीमीटर नहीं लगाना, तो मैं पहले ही यहां ब्रैकेट लगाकर सेंटीमीटर क्यूब कर देती हूँ। देखो मल्टीप्लाई करने की जगह आप ये देखो, 5 में कोई ऐसी डिजिट है ऊपर की जो जा रही हो, मेरे को लग रहा है हाँ 7 जाएगी, 5 1 = 5, 5 7 = 35, अब ये भी 7 है, ये भी 7 है, 1 यहां पर 1 यहां पर, अब जो आ गया उसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा, कितना आएगा बेटा, ये आएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, यहां पर कर लो बुक में, आपको बुक गंदी नहीं करनी है, मेरे पास यहां जगह नहीं है और मैं बाद में इसको रब भी कर दूंगी, ठीक है, कितना आया, 7 1 4 0 7 cm³, ठीक है। तो पता चल गया कैसे कट करते हैं हम, जो हमने पीछे सीखा था फ्रैक्शंस में, अब वो मैंने डायरेक्ट कट कर दिया,
ठीक है, जब सारी डिजिट्स के बीच में मल्टीप्लाई है तो मैं पूरा मल्टीप्लाई क्यों करूं, मैं ऐसे ही कट कर देती हूँ कि 5 की टेबल में कोई ऊपर की, मगर ऊपर वाला नीचे से कट होगा, नीचे वाला ऊपर से, आप सामने सामने नहीं काट सकते। ठीक है, ये जो है आपका सी आंसर भी आ गया। ठीक है बेटे, अब मैं आपको डी के बारे में, डी और ई रह गए हैं हमारे। एक क्यूबॉइडल वेसल है जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट इतनी है। पहले क्या चेक करनी है हमको, यूनिट मीटर, मीटर सेंटीमीटर अलग अलग है। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर इट होल्ड्स, आपको क्या बताना है कि कितना पानी इसमें आ जाएगा। अब इसमें आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ कि इसको मीटर में आंसर निकालो या सेंटीमीटर में निकालो, तो हम क्या करेंगे, दो तो मीटर में ऑलरेडी है, इसको भी आप मीटर में निकाल लो। ठीक है, इसको भी मीटर में निकाल लो और उसके बाद क्या करो, मल्टीप्लाई। ठीक है, पता है ना, लेंथ ऑफ क्यूबॉइडल वेसल, फिर ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइडल वेसल, फिर हाइट ऑफ क्यूबॉइडल ये वेसल। ठीक है, जैसे यहां पर शू बॉक्स लिखा है, लेंथ ऑफ, यहां पर क्या आ जाएगा, क्यूबॉइडल वेसल, फिर आप यहां लेंथ लिखेंगे, फिर ब्रेथ लिखेंगे, फिर हाइट लिखेंगे, समझ गए, ऐसे लिखेंगे। अब क्या करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ डग आउट ऑफ अ पिट, यानी आपने गड्ढा खोदा उसमें से कितनी मिट्टी बाहर आई, वो आपको लिखना है। डायमेंशंस ये, लेंथ ब्रेथ और हाइट। ठीक है, लिखना है तो आप ऐसे ही लिखेंगे, वैसे ही लेंथ, ठीक है, फिर ब्रेथ, फिर हाइट। अगर ये ऐसे डायमेंशन दिए तो आप सीधा भी लिख सकते हो, वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, अर्थ। अब कैसे लिखेंगे इसको, मैं आपको इसमें करके दिखाती हूँ। ठीक है, ई पार्ट एक बारी कैसे लिखेंगे इसको, डायरेक्ट लिखना है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि हमें इसमें पता नहीं चल रहा। वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट, अब यहां पर मेरी स्पेस खत्म होगी तो मैं यहां कर लेती हूँ, 6.9 मीटर्स इनटू, अब आप यहां डायरेक्ट लिख रहे हो तो 72 मीटर को रफ में आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो। देखो, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, ठीक है, मीटर से हमें कहां जाना है, नीचे जा रहे हैं हम। ठीक है, जैसे अगर यहां से काउंट करो, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, यानी 100, ऊपर से नीचे जा रहे हैं। ठीक है, ओ सॉरी, सेंटीमीटर नीचे, मीटर ऊपर, तो नीचे से ऊपर जाना है, डिवाइड किस से, 100 से। जब आप 100 से डिवाइड करोगे तो दो के बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट, तो कितना आ गया ये, 0.72 मीटर, और फिर ये कितना आ गया, 2 × 4 + 1 = 5/2 मीटर। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, पहले आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको, इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से, करने के बाद देखो 2 से कुछ जा रहा है, नहीं जा रहा हो तो ऐसे ही आंसर लिख दो। ठीक है, इसको सॉल्व आपको खुद करना है, और लास्ट में 100 वाली लाइन लिखनी है सब में। ठीक है बेटे, आपका जो 13 चैप्टर है वो यहां पर फिनिश होता है, ये जो है ये आपको बुक में करना है, जो आपका बच जाएगा यानी जो आपको कॉपी में नहीं कराया वो सब आपको बुक में करना है। यहां पर आपको एक वॉल्यूम से रिलेटेड वर्कशीट भी दी हुई है, आपको ये ट्राई करना है ताकि आपको जो जो भी चीज आपको सिखाई जा रही है वो ढंग से आए। ठीक है, तो आप ये फिल करेंगे, ठीक है, ये सब कुछ आपको अपनी जो नोटबुक है उसमें करना है। ठीक है बेटे, आपका चैप्टर नंबर 13 जो है यहां पर फिनिश होता है।